ना वैंडरिंग सीड्स। वैंडरिंग सीड्स मीन्स क्या है, जो सीड्स जो है ब्लो होते हैं एयर में, या फिर एनिमल्स या फिर स्क्विरल बर्ड्स जो सीड्स को लेके जा सकते हैं। ओके, सो वैंडरिंग सीड्स मीन्स जो सीड्स उधर इधर ब्लो होते हैं। ओके, एनिमल्स खाते हैं तो वो कोई कोई जगह पे जाके डाल देते हैं। नाउ सी, प्लांट्स कैन नॉट मूव अराउंड, वंस दे ग्रो दे रिमेन इन द प्लेस, इन द सेम प्लेस, बट देयर सीड्स आर ग्रेट ट्रैवलर्स, दे कैन रीच फार एंड वाइड, लुक एट पिक्चर वन ऑन द नेक्स्ट पेज एंड सी द फ्लाइंग सीड्स। अब क्या बोल रहे हैं, प्लांट्स एक जगह से दूसरे जगह पर मूव नहीं हो सकते हैं। अगर वो एक जगह पे ग्रो हो गए तो वो वहीं के वहीं सेम प्लेस में ही वो रह सकते हैं, बट उनके सीड्स जो है वो खूब ट्रैवल करते हैं। ओके, जैसे कि एनिमल्स कुछ खा के कुछ कई और जगह पे जाके डाल देते हैं, जैसे कि बर्ड्स फिर स्क्विरल। ओके, एंड ऑल्सो वी ह्यूमन बींग्स ओके ट्रैवल करते हैं सीड्स को लेके, वो कई दूरी पे भी चले जाते हैं और वो फैल जाते हैं। अब पिक्चर वन में दिखाया गया है, दूसरे पेज में देखते हैं। देखो पिक्चर वन में देखो, यस, कॉटन सीड हम देख सकते हैं, वो इजीली क्या है, एकदम लाइट वेट होता है। सो वो क्या होता है, वो इजीली ब्लो होता है एयर में, वो उड़ सकता है। ओके, अब क्या क्वेश्चन पूछा है, हैव यू एवर सीन एनी सीड दैट कैन फ्लाई, क्या आपने कभी भी कहीं देखा है कोई भी सीड्स को उड़ते हुए? यस, हमने देखा है, राइट। व्हाट इज इट कॉल्ड इन योर एरिया, और आपके एरिया को क्या बोला जाता है? ओके, लुक एट योर सीड कलेक्शन, गेस हाउ मेनी ऑफ दोज कुड हैव ट्रैवल्ड बाय फ्लाइंग, और आपने जो सीड्स जो कलेक्ट करके रखे थे उसमें से आप अभी गेस करो कितने सीड्स हैं जो फ्लाई हो सकते हैं, उड़ सकते हैं। ओके, जैसे कि लाइट वेट सीड्स हो वो इजीली उड़ सकते, जैसे कि क्यूमिन सीड हो, एनी सीड है, तिल है, ओके, वो सब क्या है, इजीली उड़ सकते हैं, कॉटन है, राइट, क्लियर। लुक एट पिक्चर टू, दिस सीड कैन नॉट फ्लाई बट इट कैन स्टिल travel by sticking on the fur of animals or on our clothes. In this way, it gets a free ride. Did you get any new idea from these seeds? Read how the idea of Velcro came to George Mestral. Okay, अब picture 2 में देखो, like cactus वाले seed है ना? Okay, तो वो उड़ नहीं सकते हैं, but वो क्या होता है, stick हो जाता है अपने कपड़ों में और फिर animals के fur में, ओके, एनिमल्स के स्किन में। और इससे क्या होता है, हमें पता भी नहीं चलता है हमारे कपड़ों में चिपक गया है, तो हम कई बार कहीं चले जाते हैं तो अभी अपने कपड़े में चिपका हुआ होता है, इसलिए कहा गया है इट इन दिस वे इट गेट्स अ फ्री राइड। डिड यू गेट एनी न्यू आइडिया फ्रॉम दिस सीड, क्या आपको ये आइडिया कुछ मिला है ये सीड्स को देख के? अब देखते हैं आइडिया ऑफ वेलक्रो, वेलक्रो के बारे में पता करने के लिए जॉर्ज मेस्टल का क्या आइडिया था, ठीक है। दिस हैपेंड, वेलक्रो मीन्स क्या है, जो सैंडल्स बूट बेल्ट में सब हम चिपकाते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं, वेलक्रो। दिस हैपेंड इन 1948, ये कब हुआ था, 1948 को। वन डे जॉर्ज मेस्टल केम बैक फ्रॉम अ वॉक विथ हिज dog. He was amazed to find seeds sticking all over his clothes and on his dog's fur. He wondered what made them stick. So he observed these seeds under a microscope. So he saw that the seeds had many tiny hooks which got stuck to clothes or fur. This gave Mestral the idea of making Velcro. He made a material with similar tiny hooks that would stick. Velcro is used to stick together many things like clothes, shoes, bags, belts, and many more. What a way to take inspiration from nature. अब कब हुआ था ये? Velcro के बारे में हमने कब
देखा था 1948 को, ओके। और एक दिन जॉर्ज मेस्ट्रल आ रहे थे वापस चल के उनके डॉग के साथ। वो बहुत सरप्राइज हो गए थे ये सीड्स के बारे में सुन के, ये सीड्स कैसे स्टिक हो जाते हैं क्लोथ्स में और कैसे वो स्टिक हो जाते हैं एनिमल्स के फर में, ओके। ही वंडर्ड व्हाट मेड देम स्टिक, और वो सोचने लग गए ऐसे कैसे चिपक सकता है। सो उन्होंने एक दिन बैठे, वो ऑब्जर्व कर रहे थे सीड किसके अंदर, माइक्रोस्कोप में वो ऑब्जर्व कर रहे थे। उन्होंने देखा वो सीड के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे टाइनी हुक्स है जो इजीली हमारे कपड़ों में और एनिमल्स के फर में वो चिपक जाते हैं। सो वो आइडिया से, वो सीड के आइडिया से उनको याद आया, उनको कौन सा आइडिया याद आया, वेलक्रो बनाने का। और उन्होंने एक मटेरियल बनाया जिससे टाइनी हुक से वो इजीली कपड़ों में, शूज़ में, बेल्ट में वो चिपक सकते हैं, ओके। और वेलक्रो ऐसे सारे चीज़ों में हम यूज़ कर सकते थे, जैसे कि क्लोथ्स, शूज़, बैग, बेल्ट और बहुत सारी चीज़ें। कितना अच्छा इंस्पिरेशन मिल रहा है ना हमें नेचर से, राइट, ओके। अब यहाँ पे पिक्चर दी गई है स्क्विरल, बर्ड एंड प्लांट्स का। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड गेस द हाउ द सीड्स ट्रैवल एंड रीच डिफरेंट प्लेसेस। अब आपको पिक्चर देख के आपको गेस करना है सीड्स कैसे ट्रैवल होते हैं और कैसे अलग अलग जगह पे जाते हैं। मैंने आपको जैसे कहा स्क्विरल, बर्ड्स, कुछ प्लांट्स वो जो होते हैं वो ब्लो होते हैं, कुछ एनिमल्स लेके जाते हैं, कुछ बर्ड्स लेके जाते हैं, राइट। और कुछ प्लांट्स स्प्रेड करते हैं बहुत दूरी पे, सीड्स उनके स्प्रेड करते हैं। सम प्लांट्स स्प्रेड देयर सीड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, व्हेन द सोयाबीन पॉड्स आर राइप दे बर्स्ट एंड द सीड्स आर थ्रोन आउट। हैव यू एवर हर्ड देयर साउंड, आपको पता ही होगा, ओके। कुछ प्लांट्स जो है वो उनके सीड्स को स्प्रेड करते हैं बहुत लंबी दूरी पे, और कुछ जो है सोयाबीन पॉड्स जैसे कि नट्स जो होता है वो स्क्विरल खाते हैं, राइट। तो वो खा के फिर वो जो सीड्स वो फेंक देते हैं, राइट। तो वो आप सुनते होंगे ना, जब वो नीचे गिरता है सीड तो आवाज़ आता है, जब वो नट्स क्रैक करते तभी आवाज़ आता है, यस आपने सुना ही हो। थिंक वॉट वुड हैपन इफ़ सीड्स डिड नॉट स्प्रेड एंड रिमेन्ड एट वन प्लेस ओनली। अब आपको सोचना है अगर सीड्स स्प्रेड नहीं होते और एक ही प्लेस में रहेंगे तो क्या होगा। मेक अ लिस्ट ऑफ द डिफरेंट वेज बाई विच सीड्स आर स्प्रेड, और हमें डिफरेंट वेज बनाने हैं जो सीड्स स्प्रेड हो सकते हैं, उनकी लिस्ट बनानी है हमें, ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हु केम फ्रॉम वेयर, और कौन कहाँ से आया है। हैव यू इंक्लूडेड ह्यूमन बींग्स ऑल्सो इन योर लिस्ट, येस वी ऑल्सो कैरी सीड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर नोइंगली और अननोइंगली। क्या आपने आपके लिस्ट में ह्यूमन बींग्स को इंक्लूड किया है? हाँ हमने किया है, बिकॉज ह्यूमन बींग्स भी ट्रैवल करते हैं सीड्स, जानने में भी और अनजाने में भी वो ट्रैवल करते हैं। हम बहुत सारे चीज़ें जो उससे होती है जो टेरेस फार्मिंग के लिए लेके आते हैं, राइट, तो सीड्स हम डाल देते हैं, सो सीड्स हमें ज़रूरी होता है। वी ब्रिंग द सीड्स ऑफ प्लांट्स दैट वी फाइंड ब्यूटीफुल और यूज़फुल, और हम सीड्स लेके आते हैं और हमें अच्छा लगता है और हमारे यूज़फुल के लिए होता है, हमारे गार्डन के यूज़फुल के लिए होता है। लेटर द सीड्स ऑफ दिस प्लांट स्प्रेड टू अदर प्लेसेस, फिर वो धीरे धीरे वो प्लांट्स जो है वो स्प्रेड करते हैं अलग अलग प्लेसेस में। मैनी ईयर्स लेटर पीपल मे नॉट इवन रिमेंबर दैट दिस प्लांट्स डिड नॉट ग्रो हियर अर्लियर, और बहुत बरसों पहले भी लोगों को ये नहीं पता रहता है कि ये प्लांट्स जो है ये हमारे यहाँ पे नहीं उगा जाता था, वो कहीं और उगा जाता था, दूसरे कंट्री में उगा जाता था। दे वेर ब्रॉट फ्रॉम समवेयर एल्स, और वो कहीं और से लाए जाते थे। डू यू नो फ्रॉम वेयर चिल्लीज केम टू अवर कंट्री, क्या आपको पता है चिल्लीज कहाँ से आए हैं। दिस वेयर ब्रॉट टू इंडिया बाई ट्रेडर्स कमिंग फ्रॉम साउथ अमेरिका, और चिल्लीस कहाँ उगाया जाता था, साउथ अमेरिका में, ओके। वहाँ के ट्रेडर्स इंडिया में आते थे तब वो चिल्लीस ले आते थे। टुडे वी कैन नॉट थिंक ऑफ फूड विदाउट चिल्लीस, और आज के टाइम पे हम खाना कुछ पका नहीं सकते चिल्ली के बगैर, राइट।
हम सोच भी सकते हैं चिल्ली डाले बिना कुछ भी सब्जियां? नो। अब यहाँ पे एक पोयम बताया गया है, वो आपको ध्यान से सुनना है, ओके। फ्रॉम साउथ अमेरिका लॉन्ग एगो केम अ टोमेटो पोटैटो एंड अ ग्रीन चिली। अब साउथ अमेरिका से बहुत बरसों पहले कौन कौन आया है? टोमेटो पोटैटो एंड ग्रीन चिली। क्या आपको पता है ये? कैबेज केम फ्रॉम यूरोप एंड ऑल्सो अ पी। क्या आपको पता है ये? कैबेज और पी जो है वो यूरोप से आया हुआ है, राइट। फ्रॉम अफ्रीका केम अ कॉफ़ी बीन एंड अ ग्रीन भिंडी। और अफ्रीका से कौन से चीज आए हुए हैं? कॉफ़ी बीन एंड ग्रीन भिंडी। ग्रीन भिंडी मीन्स लेडीज फिंगर, ओके। दे क्रॉस द लैंड, दे क्रॉस द सी। और उन्होंने क्या क्रॉस किया था? उन्होंने लैंड क्रॉस करके आए और वो सी क्रॉस करके आए, राइट। क्या आपको पता है ये सब चीज़ें? यस। अब नेक्स्ट क्या लिखा है? मैंगो सैंग कम इन कम इन एंड ऑरेंज स्माइल इनसाइड इट्स स्किन। आप क्या बोल रहे हैं? मैंगो गाना गाते हुए कह रहे हैं कम इन आ जाओ और ऑरेंज स्माइल करके कह रहे हैं उनके स्किन में वेलकम टू इंडिया, वेलकम इंडिया में स्वागत है। और बनाना सेट द मेथी एंड स्पिनच ब्रिंजल एंड रेडिश नॉडेड इट्स हेड। बनाना क्या बोल रहे थे? मेथी स्पिनच, मेथी फेन्यूग्रिक, ओके, स्पिनच पालक, ब्रिंजल बैंगन और रेडिश मूली, ओके। वो उनका सर हिलाते हुए, वो उनका हेड हिला रहे थे, नॉड कर रहे थे। नॉड मीन्स हिलाना, स्लाइटली हिलाना। डिड यू नो दिस? क्या आपको पता है ये सब? राइट, समझ आया? ओके। व्हाट ऑल वॉज ग्रोन इन इंडिया लॉन्ग एगो। क्या क्या चीज़ें, क्या क्या चीज़ें जो है इंडिया में उगाया जाता था, ओके। वेयर मैंगोज एंड बनानास ग्रोन हियर। क्या मैंगोज और बनानास यहाँ पे उगे हुए हैं? व्हाट केम फ्रॉम अदर कंट्रीज। कौन कौन से चीज़ें अलग अलग कंट्रीज में से आए हैं? इमेजिन फूड विदाउट पोटैटोज और टोमेटो। अब आपको इमेजिन करना है फूड और टोमेटो के, फूड जैसे कि टोमेटो और पोटैटो के बिना कुछ सब्जियां आप कैसे इमेजिन करोगे, ओके। हम अभी सब सब्जियां में टोमेटोज डालते हैं, पोटैटोज डालते हैं, राइट। तो हम इमेजिन कर सकते हैं? नो। हमको पोटैटोज टोमेटोज ग्रीन चिलीज चाहिए ही रहता है, राइट। हियर वी कम्स टू एंड ऑफ अवर चैप्टर। थैंक यू।